देश में इस समय समलैंगिक शादी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपना रुख साफ कर लिया है। आरएसएस समलैंगिक विवाह के पक्ष में नहीं है। देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगले महीने बहस होनी है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने पानीपत में कार्यक्रम में आरएसएस का पक्ष साफ कर दिया। होसबोले का कहना है कि सेम जेंडर मैरिज पर वो सरकार के नजरिए से सहमत हैं। सरकार समलैंगिक विवाह के विरोध में है। हिंदू जीवन दर्शन में विवाह जो है एक संस्कार है। It is not an instrument for only enjoyment. Neither it is a contract. विवाह जिसको विवाह कहते हैं, साथ कोई भी रहना वो अलग है। आप मैरिज जिसको कहते हैं वो भारतीय चिंतन में हिंदू दर्शन में हजारों वर्षों से लाखों वर्षों से यह एक संस्कार है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से जुड़ी याचिकाओं को संवैधानिक बेंच रेफर कर दिया है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच 18 अप्रैल से सुनवाई करेगी। दुनिया को शांति और तरक्की की राह दिखा रहे पीएम मोदी की खूबियों की तारीफ करने वालों में नोबेल प्राइज कमेटी के मेंबर का नाम भी शामिल हो गया है। सवाल यह है, क्या पीएम मोदी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है? रूस और यूक्रेन की जंग के चलते महायुद्ध की तरफ खिसकती दुनिया को अमन की उम्मीद अगर किसी से है तो वो सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी है। भारत आए नॉर्वे की नोबेल प्राइज कमेटी के डिप्टी लीडर एसएल तोय ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। फॉर प्रेसिडेंट मोदी ऑब्वियसली आई एम फॉलोइंग हिज एफर्ट्स, वी ऑल आर, एंड आई रियली होप दैट हिज इनिशिएटिव्स विल कम टू फ्रूशन। यूक्रेन जंग के बीच पुतिन को शांति संदेश देकर मोदी साबित कर चुके हैं कि वो जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। नोबेल प्राइज कमेटी के मेंबर सब देख रहे हैं। I want every leader in the world to work for peace, and powerful leaders such as Modi has much more chance and ability to do so. आज दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है। रूस और अमेरिका दोनों ही न्यूक्लियर अटैक और रिटेलिएशन की बात कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी जिस जिम्मेदारी के साथ शांति की बात कह रहे हैं, दुनिया उसका महत्व महसूस कर रही है। और देखिए, प्रयागराज के उमेश पाल शूटआउट केस में माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को भी एनकाउंटर का डर सता रहा है। उसने प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में अर्जी देकर 6 वकीलों के साथ वीडियोग्राफी के बीच जेल से निकालने की गुहार लगाई है। अदालत आज उसकी अर्जी पर फैसला सुनाएगी। यूपी की बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को एनकाउंटर का डर सता रहा है। इस वजह से उसने प्रयागराज की स्पेशल MPMLA कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है उसे कम से कम 6 वकीलों की मौजूदगी और वीडियोग्राफी के बीच ही बरेली जेल से निकाला जाए। दरअसल अशरफ के खिलाफ प्रयागराज में दर्ज मुकदमों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है, लेकिन पिछले हफ्ते बरेली में दर्ज हुए केस में रिमांड की अर्जी के लिए उसे बरेली जेल से निकालकर बरेली कोर्ट ले जाया जा सकता है। इसके अलावा उसकी जेल भी बदली जा सकती है। अब जेल से बाहर निकलने पर अशरफ को पुलिस एनकाउंटर या गाड़ी पलटने का डर सता रहा है। अशरफ की अर्जी में कहा गया है अदालत इस बात का आदेश दे कि जेल से बाहर निकाले जाने पर उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे और उसके जीवन को कोई खतरा नहीं होने दिया जाएगा। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।